बस लिए समर्पण तन मन से मैं देव भूमि में आता हूँ। है भाग्य मेरा सौभाग्य मेरा मैं तुमको शीश नवाता हूँ, मैं तुमको शीश नवाता हूँ। और बस महादेव को अपना मानता हूँ, बाकी तो ये दुनिया कैसी है उसे अच्छे से जानता हूँ। महादेव अगर साथ हैं तो पूरी दुनिया भी खिलाफ हो फर्क नहीं पड़ता। नमो नमो शंकर भोले नाथ शंकर जय लोकनाथ शंभे शिवाय शंकर। नमो नमो शंकर भोले नाथ जटा कटाह संभ्रम भ्रमं निलिंप निर्जरी विलोल बीच वल्लरी विराजमान ये सोशल मीडिया पे वायरल होने के लिए नहीं, हमारी लाइफ में नवाब का वो महत्व है जो कि हर इंसान की लाइफ में अपने बच्चे का होता है। हमारे घर पे जो पूजा होती है हर पूजा का पार्ट नवाब होता है। हम अगर कोई भी हवन कराते हैं, इवन हम लोग मैक्सिमम जो हवन कराते हैं पूजा कराते हैं वो नवाब के लिए ही कराते हैं। उसके बर्थडे की पूजा की वीडियोज आपने देखी होंगी। हर सुबह रोज जब मैं भगवान की पूजा करता हूँ तब नवाब हमेशा मेरे साथ में होता है, आपने हमेशा स्टोरीज पे देखा है। तो ऐसा नहीं है कि यहां बात धर्म की या फिर नंदी को टच करने की, यहां बात मेरे सेंटिमेंट की। आप मुझे देखो मेरे माइंड में क्या है ना, आप मुझे देखो मेरी श्रद्धा क्या है। बचपन से लेकर आज तक भगवान में बिलीव करता हूं और मेरा मानना है जो मेरे लिए सही है, जो मैं भगवान के प्रति जो मेरी आस्था है मेरे बच्चे के अंदर भी वही रहनी चाहिए। अब अगर किसी को लगे कि यार वो तो जानवर है उसे कैसे पता, नहीं भाई पता होता है, उसके अंदर भी धड़कन है, उसके अंदर भी ब्लड है, सिर्फ बोल नहीं सकता, बिल्कुल ऐसा है जैसे कि इंसान होता है। आपने देखा होगा ना कि नवाब से मैं कुछ भी कराता हूं वो करता है, क्योंकि वो शायद भूल गया है कि वो एक जानवर है और हम भी भूल चुके हैं कि वो एक जानवर है। हमारे लिए वो एक ह्यूमन बेबी की तरह है, हमारी लाइफ उसी के इर्द गिर्द है। हमारा घर अगर आप देखेंगे तो पूरा कंप्लीट नवाब के अकॉर्डिंग बना हुआ है। अब अगर हमारी गाड़ी तक भी देखेंगे आप तो हमने वो भी कस्टमाइज कराई हुई है नवाब के अकॉर्डिंग। इतना सपोर्ट मिलना उम्मीद नहीं थी, लाखों में मैसेज आने, करोड़ों में लोगों को बात करते हुए देखना। इससे पहले जब पैराग्लाइडिंग वाली वीडियो वायरल हुई थी अराउंड 35 कंट्रीज थे, लेकिन अभी तो उससे भी कहीं ज्यादा हो चुका है। पहले नवाब के नाम पे 7.5 मिलियन सर्च थी गूगल के ऊपर, लेकिन आज तो मिलियंस क्रॉस हो चुका है। इवन हम काउंट भी नहीं कर सकते कि उसके बारे में कितना लोग सर्च कर रहे हैं। और इतना सब होने के बाद में जब हम लोग एक देख रहे हैं ना कि कितना पॉजिटिव है कितना नेगेटिव है, तो 80% तो पॉजिटिव है, सब नवाब के फेवर में है, किसी को गलत नहीं लग रहा। सिर्फ गलत लग रहा है तो उन लोगों को जो बिल्कुल खाली बैठे हुए हैं, जिन्हें लगता है कि हाँ इस मुद्दे को थोड़ा और भड़का लेते हैं। तो भाई अगर मेरे ऊपर एफआईआर हो रही है तो जाहिर सी बात है फिर पूरी मंदिर की समिति के ऊपर एफआईआर करो ना आप लोग कि वहां इतना प्यार क्यों मिला है। वहां पे इतने पुलिसकर्मी थे, वो हमें पहले रोक देते तो क्या हम जबरदस्ती करते। 4 साल पहले से अगर अब तक कोई हमें जबरदस्ती बोलता कि यार ऐसा आपका करना गलत है तो क्या हम उसे दोहराते, नहीं। लेकिन अगर हमारा बच्चा है, हम दोनों 4 दिन के लिए दर्शन के लिए कहीं जा रहे हैं, 5 दिन के लिए दर्शन के लिए कहीं जा रहे हैं, तो क्या हम अपने बच्चे को घर में अकेला छोड़ सकते हैं।